वहाँ पर एंटीजन आरटीपीसीआर टेस्टिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। टेस्टिंग स्वेच्छा से भी आप यहाँ पर करवा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सिविल डिफेंस के जो स्टाफ हैं वो ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि अगर कोई नियम तोड़ रहा है तो या तो वो चालान भरे, अन्यथा उसका यहाँ पर टेस्ट किया जाए, ताकि अगर संक्रमण है तो उसका पता लगाया जा सके और अगर संभावना है तो उस संक्रमण को रोका जा सके। फिलहाल कनॉट प्लेस से विनोद के साथ में आशुतोष मिश्रा, आज तक। तो ये हाल है दिल्ली का। अब हम आपको गुजरात का हाल भी बताते हैं, जहां पर अहमदाबाद की खासतौर पर अगर बात की जाए तो बढ़ते कोरोना के मामलों की वजह से सरकार ने अब सख्ती बरतना शुरू कर दिया है। गुजरात में पिछले 24 घंटे की बात करें तो कोरोना संक्रमितों की तादाद 1300 के आसपास है। अहमदाबाद में नाइट कर्फ्यू की नौबत आ गई है। इसके अलावा सूरत में भी काफी सख्ती बरती जा रही है। गुजरात में बढ़ते कोरोना के मामले के बीच अब प्रशासन भी सख्त है, और साथ ही अगर बात की जाए पिछले 24 घंटे की तो पिछले 24 घंटे में गुजरात में करीब 1276 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वैसे में चाहे अहमदाबाद हो या सूरत, जो कि दोनों ही कोरोना का हॉटस्पॉट बना हुआ है, वहाँ पे करीब 300 के आसपास मामले आ रहे हैं। तो वहाँ पे इस तरीके से जो कोरोना के कैंप है वो लगाए गए हैं, यहाँ पे टेस्टिंग की जाती है, ये फ्री टेस्टिंग कैंप जो है वो लगा दिए गए हैं। और पूरे शहर में इस तरीके के करीब अहमदाबाद की ही बात की जाए तो 80 से ज़्यादा ऐसे कैंप लगाए गए हैं, जहाँ सुबह से ही लाइन लगना शुरू हो जाती है टेस्टिंग के लिए। दरअसल जिस तरीके से मामले बढ़ रहे हैं उसको लेते हुए प्रशासन भी काफ़ी अलर्ट है। खास करके अगर बात की जाए अहमदाबाद की और सूरत की, तो यहाँ पे शनिवार और रविवार ये दोनों दिन मॉल, रेस्टोरेंट जैसी जो चीज़ें हैं, जो जगह है, उसको बंद करने का आदेश दे दिया है। तो वही रात को 9 बजे, जो कि पहले रात्रि कर्फ्यू का टाइम जो रात को 10 बजे का था, उसको बढ़ाकर अब रात को 9 बजे से लेके सुबह 6 बजे तक कर दिया गया है। तो प्रशासन लगातार अलर्ट है। तो साथ ही जो वैक्सीनेशन का काम है उसमें भी तेज़ी लाई जा रही है। वो भी टारगेट रखा गया है कि अभी जो दिन में 1.5 लाख लोगों को वैक्सीन दी जाती है उसको बढ़ाकर 3 लाख कर दिया जाए। कैमरामैन उज्जवल ओझा के साथ गोपी घांगर, अहमदाबाद आज तक। फिलहाल यहाँ रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए आज तक।